नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर दोस्तों बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में जिसमें आपको बताएंगे कि राजस्थान में बारिश कब शुरू होगी साथ में राजस्थान के कई ज़िलों पर अगले 24 घंटों के दौरान मौसम कैसा रहेगा उसके बारे में आपको जानकारी देंगे साथ में राजस्थान के कई जिलों पर मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है राजस्थान के किन जिलों पर मावट होने की संभावनाएं बताई हैं उसके बारे में आपको विशेष जानकारी देंगे तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए तो बीते दो दिनों के दौरान राजस्थान के कई जिलों पर अच्छी बारिश की गतिविधियाँ हुई जिसमें बीकानेर संभाग साथ में जोधपुर संभाग अजमेर संभाग के कई जिलों पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिली जैसा कि मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया था जैसा दोस्तों आपको बता दें कि आने वाले लगभग चौबीस से अड़तालीस घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियाँ कुछ एक स्थान पर होने की संभावना है बाकी ज़्यादातर क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही के साथ हल्की सीटपुट वर्षा हो सकती है बाकी ज़्यादातर मौसम शुष्क रहेगा राजस्थान के मौसम विभाग के अनुसार अगर माने तो राजस्थान के लगभग उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही रहेगी और कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी की संभावना है बादलों की आवाजाही के बीच में कई जिलों पर मौसम शुष्क भी बना रहेगा किसान भाइयों आपको बता दें कि अब धीरे धीरे राजस्थान में सर्दी की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं राजस्थान के कई जिलों पर लगभग अगले चौबीस घंटों के बाद राजस्थान की कई जिलों पर कड़ाके की ठंड की शुरुआत होने की संभावनाएं बनी हुई हैं अब बात करते हैं मावट कब होगा? तो फिलहाल अगर दो से चार दिनों की मौसम जानकारी देखें तो राजस्थान के क्षेत्रों पर बारिश की संभावना नहीं है लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि नवंबर के पहले सप्ताह में बारिश की संभावनाएँ बनी हुई हैं उस टाइम राजस्थान के जोधपुर संभाग साथ में बीकानेर अजमेर और भरतपुर संभाग के क्षेत्रों पर बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावनाएं बनी हुई हैं तो चैनल के आप साथ बने रहो आपको मौसम की पल पल की अपडेट मिलती रहेगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अपडेट आपको रोजाना मिलता रहेगा धन्यवाद